यार फिर उसने क्या बोला है आपको पता है? उसने बोला कि मैं आज नहीं आ रही हूँ। तो? करने ही वाला था फोन की पहुंची नहीं पहुंची। यार मैं नहीं आई हूँ। चुप करे। आ जाएगी रावी, मिस कर रहा था आज। मैं खुश भी था घर से जब आया था। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में, मस्सी वीडियो में। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज रागवी जो है वापस आने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है आज मंडे है। तो 5-6 दिन के बाद वो गई थी, पहले गई थी, तो 5-6 दिन भाई कैसे निकाले मुझे मालूम है। एंड बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज जो आने वाली है, ठीक है, मंडे है। तो बाकी करते हैं फ़ोन, उसको पूछते हैं कहाँ पहुँची, कहाँ नहीं आई, भी है नहीं आई है भाई। तो करते हैं फ़ोन व्लॉग में। तो उससे पहले हम यार आज अपनी बाइक पर ना थोड़ा थोड़ा सा काम है ना, जो उसकी आवाज़ आती है वाइब्रेशन, आपको बताया होगा, नहीं बताया मुझे नहीं पता, बट अभी आज उसकी बाइक की ना थोड़ी वाइब्रेशन हो रही थी, तो वो जाके दुकान पे दिखानी है, वो भी आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है उसकी। भाई बहुत मतलब हालत थोड़ी ख़राब ही लग रही है, तो चलते हैं भाई फटाफट से। बाइक वो खड़ी है वहाँ पे, बाइक को दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो बाकी करते हैं फिर रागवी को भी फ़ोन करते हैं और पूछते हैं भाई कहाँ पहुँची है, कब तक आ रही है, तो फिर आपको मिलाते हैं रागवी से भी, ठीक है गाइस। तो फटाफट से निकलते हैं बाइक पे यार, बाकी की बातें चलते हैं, चलते चलते बातें करते हैं आपसे। ओके गाइस, ये रही बाइक और मैं बताता हूँ आपको कि इसकी वॉइस कहाँ से आ रही है। एक तो भाई यहाँ कहीं से आ रही है वाइब्रेशन की आवाज़, ठीक है, एक यहाँ से, और ये जो है पहले मैंने सोचा ये नेट लगाया हुआ है, तो मतलब पहले नहीं लगा था, तो मैंने सोचा इसकी आवाज़ आ रही जब स्पीड ब्रेक कराते, तो यहाँ से कहीं से मेरे को लगता है ये इसकी आवाज़ है, ये बजता ज़ोर से, अब पता नहीं यार, देखते हैं ऐसे ऐसे आवाज़ आती है। तो ये चीज़ चेक करवानी है, पूछते हैं कहाँ से, क्या सीन है क्या नहीं। बाकी टायर देखो भाई कितना ब्रॉड लगता है भाई। बाकी चलते हैं थोड़ा बहुत जो है इसका दिखाते हैं दुकान पर, बाकी कितनी प्यारी लगती है ना गाइस, देख रहे हो। तो हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी हाउस। तो गाइस फाइनली आई एम बैक इन जम्मू। तो गाइस हर एक व्लॉग में जितने भी वो व्लॉग डाल रहे हैं ना महाशय, वो बोल रहे हैं रागवी मंडे को जम्मू आएगी, रागवी मंडे को जम्मू आएगी, और गाइस मैं जम्मू आ गई। और गाइस होने पता क्या वाला है गाइस, होगा ये कि मैं उनको करूँगी थोड़ा सा तंग, क्योंकि पता नहीं मेरा मन कर रहा है करने का। मैं उनको अभी कॉल करूँगी, जहाँ तो उनकी कॉल और मैसेजेस आ ही रहे हैं कि तू कहाँ है, आई कि नहीं आई। तो मैं जम्मू आ गई, मैंने उनको कोई रिप्लाई कोई मैसेज कुछ नहीं किया, तो अभी मैं उनको कॉल करूँगी और मैं उनको बोलूँगी यार सॉरी मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगी, क्योंकि मेरे घर पे फंक्शंस है, तो आप ना घर की चाबी ले लो अंकल से और वो मेरी एक फ्रेंड है उसको दे दो। तो देखते हैं गाइस मज़ा आएगा। गाइस अभी मैं इनको कॉल करने वाली हूँ, देखो। हेलो हेलो, करने ही वाला था फोन की पहुंची नहीं पहुंची। यार मैं नहीं आई हूँ। चुप करे पागल, सच्ची में नहीं आई हूँ। वो ना मेरे को ना थोड़ा काम है घर पे, तो मैं वेनसडे को आऊंगी। ओ यार 5-6 दिन हो गए, आ गए यार। कुछ नहीं होता, वेनसडे को आ जाऊंगी, मेरी बात सुनो, एक काम करोगे? यार यार नहीं ना यार, आजा यार प्लीज यार। आप हो कहाँ पे? मैं थोड़ा बाइक का वो वाइब्रेशन उठ उसको ठीक कराने आया। अच्छा, तो उसके बाद तेरे पास ही आ रहा था मैं। सुनो सुनो मेरा एक काम करो, वो अंकल के पास जाओ, उनसे चाबी ले लो। हाँ। और फिर मैं एक लड़की का नंबर दूंगी, उसको दे देना, ठीक है? यार तू आना यार, मैं वेनसडे को आ जाऊंगी, आप इतना सा काम करो जल्दी। लेकिन यार अच्छा गाइस देखो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। अभी यहाँ से हमने पूरी बाइक जो है वो ठीक करवा दिया, अब थोड़ी वाइब्रेशन जो थी वो कम हो चुकी है, अब थोड़ी बिल्कुल नॉर्मल सी वाइब्रेशन हो रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं गाइस, अभी जो रागवी का कॉल आया था मुझे, एंड मैंने उससे पूछा कि कहाँ पहुँची है, कब तक आ रही है, भाई व्लॉग भी करना है हमने, तो आज जल्दी याद भी आ रही है। तो बस यार फिर उसने क्या बोला है आपको पता है? उसने बोला कि मैं आज नहीं आ रही हूँ। थोड़ा दुख के सुन के दुख लगा, मैं कहती कि मैं 1-2 दिन तक आ जाऊँगी, घर पर जो है फंक्शन ही नहीं ख़त्म हो रहा है, तो 1-2 दिन का टाइम और तो फिर आ जाएगी रागवी। मिस कर रहा था आज, मैं खुश भी था घर से जब आया था कि आज रागवी जो आ जाएगी, तो उसके साथ व्लॉग करूँगा एंड साथ होगी 5-6 दिन के बाद, कोई सीन नहीं है। बाकी चलते हैं, मैं गोप्रो माउंट भी नहीं लाया था, वो घर पड़ा हुआ, तो घर जाके फिर व्लॉग बाइक पर ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने घर से सोचा था आज व्लॉग बाइक पर नहीं करेंगे, रागवी साथ ही जाके करेंगे, और कोई सीन नहीं है। बाकी यार रागवी का एक और चीज़ बोली थी, रागवी ने बोला था उधर चाबी पड़ी है कोई, तो चाबी देनी है किसी, वो घर मतलब जिनकी नीचे शॉप होती है ना, वो भी रहते हैं ना साथ में, तो कहते चाबी पकड़ा देना उनको, तभी उनके घर वाली साइड ही जा रहा हूँ उसको चाबी देने के लिए अंकल को। चलते हैं रागवी घर वाली साइड, उसके पास जरा गोप्रो में मिलूंगा अपन घर जाके, उन
उनके घर जा रहा हूँ तो उसको चाबी पकड़ा देता हूँ अंकल को, जो जो राघवी ने बोला है काम, तो उसको चलते हैं, वो चाबी पकड़ा देता हूँ अंकल को, फिर निकलते हैं राइड पे। ये गोप्रो सेट पे चुको अंकल के पास। अंकल को चाबी दी थी राघवी ने? नहीं दी थी। कभी अंकल से पूछा तो अंकल तो कहते चाबी है ही नहीं है भाई, पता नहीं क्यों। और राघवी ने ऐसा बोला कि चाबी जो है ले लेना अंकल से, तो मुझे कोई सीन समझ नहीं आ रहा, अब पता नहीं क्या सीन है, देखते हैं भाई। तो भी भाई अंकल से बात कर रहा था मैं, अंकल से पूछा मैंने कि ये क्या सीन है, और मतलब राघवी ने मुझे बोला था कि आगे उसे चाबी लेना ना, आप बोल रहे कि चाबी है नहीं कोई। और फिर अंकल बोलते कि अंकल कहते दरवाज़ा तो खुला है भाई, ऊपर तो है, वो कोई आया हुआ है घर पर। तो अभी मैं, मेरा मन नहीं कर रहा, पता नहीं मैं क्या बता, कोई ऐसे कोई उसकी फ्रेंड फ्रुंड ही आई हो रहने के लिए, अब मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं क्या करूँ, मुझे कन्फर्म तो करना, क्योंकि राघवी ने बोला था चाबी लेना, क्या पता उस लड़की से जो ऊपर आई हुई है उससे ही लड़ी होगी चाबी, तो मुझे जाके करना ही पड़ेगा, बस मन नहीं कर रहा वैसे, क्योंकि क्या पता कोई और लड़की आई हो। तो चलो अभी गाइस चलते हैं ऊपर, पूछते हैं। तो गाइस अभी वो आ गए हैं, तो अभी मैं ना वॉशरूम में छुपने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अंकल की आवाज़ आ गई थी और वो उनको कुछ पूछ रहे थे, पता नहीं। अब जब ऊपर आते हैं तो मिलते हैं। पता नहीं कौन आया हुआ है, मिलता हूँ उनको थोड़ी देर बाद में। ठीक है गाइस, तू हर बार यही सरप्राइज करते रहती है, हर बार सरप्राइज, मतलब तंग जुल्ली करना होता है। मंडे को आ रही है, मंडे को आ रही है, मंडे को आ रही है, तू तंग जुल्ली करती है। हां बता दिया करना सीधा, चाबी की चाबी। वो कहते हैं अंकल कहते मेरे को चाबी नहीं दी है, ऊपर कोई है, अंकल ने भी बताया रख दिया है, अंकल ने भी मिला लिया होगा। यस और सुनो मिस किया, अब फोन कहां छुपाया बता दे भाई। हां फोन शोन है कि ये इंजन है, वो देखो कैमरा, वो देखो कैमरा, कैसे फिजिक करना, वो देखो कैमरा, वो देखो कैमरा गाइस, देखो कहां छुपाया हुआ इसने, बिल्कुल। ओ माय गॉड, तेरा फोन टूट जाता आज, कसम से आज फोन टूट जाता। अरे ये देखो भाई कहां गाइड का, उसने मुझे पहले देख लिया था, मैं बोला चुप। नहीं यार देखो चुप। तो ये देखो गाइस फाइनली आ चुकी है, और ये हर बार कुछ ट्विस्ट के साथ आती है, अतरंगी स्टाइल से आती है गाइस, कसम से अतरंगी बोलते सतरंगी बोलते, अतरंगी स्टाइल से आती है, और मेरे को हर बार तंग करने आती है। तंग क्यों करती है, तंग क्यों करती है, सीधा बता नहीं सकती थी आई है क्यों, क्यों मर्जी तेरी। तो फाइनली गाइस हम दोनों एक और एक ही फ्रेम में फिर से आ चुके हैं। गाइस आपको एक चीज बताऊं, पांच इनको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कैसे इनको वीडियो बनाने के लिए झुकना पड़ता है, वो तो है भाई। ये देखो कितना छोटू सा तो है, ये देखो इतना फर्क है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं ये दिखती नहीं है। ए बेइज्जती कर रहे हो आप गाइस, लेकिन मैं इनको उठा लेती हूं गाइस, बिना चप्पल के, इसलिए हां उठा लेती है, मेरे को पता उठा लेती है भाई, मेरे को दो तीन बार नीचे ही फेंका हुआ है गाइस। रुको मैं हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब फाइनली आपका अविनाश पनाथिया ब्लॉग्स को हम उठाने वाले हैं, बस बेइज्जती नहीं होगी। एक दो बार उठाया गाइस, पर इतने नीचे पटका भी है मुझे, दो तीन बार मैं नीचे गिरा भी हूँ, कसम से खा मेरी कसम नहीं गिरा, आपकी कसम कभी... आप गिरे नहीं, मैंने आपको उठा के एक दो बार ऐसे ऐसे घुमाया भी है। वो देखो गाइस कितनी बहादुरी बता रही है गाइस, देख रहे हो बहादुरी नहीं बता रही हूँ मैं, आपको रोस्ट कर रही हूँ। तो गाइस आज इसने बड़े अजीब से स्टाइल से मुझे मतलब यहाँ बुलाया, हाँ ये हर बार तंग करती है मुझे, ऐसे ही तंग करती है, हमेशा तंग करती रहती है। और मैं जब मंडे और जब इसने मुझे बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ, तो मैंने मेरा मन किया मैं इसको उधमपुर आके खींच के ले आऊँ, मैं आने वाला था कसम से, आने वाला था मैं लेके रहता हूँ। फिर इसने बोला चाबी लिया, मैं चाबी लेने आया, उसके प्लान्स कहाँ से सोचती है मुझे नहीं मालूम भाई, इसका प्लान्स कहाँ से आते हैं, प्लान्स कहाँ से आते हैं, इतना सा दिमाग है गाइस फिर भी प्लान्स देखो। तो गाइस अभी आज का व्लॉग हम ये छोटा सा ही व्लॉग होगा, एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को भी पता था आज के व्लॉग में ये सब होने वाला है, तो ये इसी का सबक था।
तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको पसंद आया, तो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।